वो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और त्योहारों की तैयारियां चल रही होंगी। तो मैं भी जो है खाना बनाने वाली हूँ। पहले खाना बना के रख दूंगी, फिर उसके बाद ही कुछ करूंगी, क्योंकि अगर खाना पहले बना के रख दो ना, फिर फ्री होके हम अपना टाइम से काम करते रहते हैं। तो आज कुछ तो करने वाली हूँ, और क्योंकि दिन थोड़े ही रह गए और एक एक करके दिन निकलते जा रहे हैं, तो चलते हैं। और आज का दिन कैसा रहेगा वो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जो कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा भी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं वीडियो को बहुत बड़ा ना करके, और करती हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों चलते हैं और बनाती हूँ फिर मैं। कुछ स्पेशल तो नहीं है आज, आज बची कुछ ही सब्जियां है ना, उन्हीं को खत्म करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, खाना बनाने वाली हूँ। तो सुबह सुबह जो है नाश्ता तो ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि अभी अकेले ही हैं तो ब्रेड वगैरह कर लिया था नाश्ता। और अब क्या है कि खाना ही सीधा बनाऊंगी, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा काम भी चल रहा है। तो काम वैसा स्पेशल कोई काम नहीं चल रहा है घर पे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो है काम हो जाए, और क्योंकि ना कुछ बताने लायक ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 2 महीने करीब हो गए, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो उस वजह से क्या होता है, ज्यादा वैसे काम नहीं कर पा रही हूँ, तो बैठ के करने वाले जितने भी काम है धीरे धीरे वो निपटा दे रही हूँ। तो आज जो है मैंने कहा सुबह थोड़ा सा खाना ना बनाने के बाद में, क्योंकि तो मंदिर का जो कपड़ा लेके आई थी माता रानी का, तो वो तैयार करना है। और रेडीमेड नहीं लेके आई थी, इस बार घर पे ही बनाऊंगी। तो पहले भी मैंने घर पे बनाया था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग सिंपल तरीके से बनाऊंगी, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और साफ सफाई का तो अभी थोड़ा जो हो जाता है वही है, कपड़े वगैरह। हाँ कोशिश ये कर रही हूँ कि साथ साथ में जो कर्टन वगैरह हैं वो धुलते जाएं और उनको रखते जाऊं, तो जिससे कि काम ना इकट्ठा नहीं होगा। तो सब्जी में भी कुछ स्पेशल नहीं है आज, एक दो तोरी पड़ी थी, थोड़ी सी लौकी और एक आलू, ऐसे मिक्स करके जो है सब्जी बना ली। कभी कभी क्या होता है सब्जी ना वैसे ही मिक्स करके या कुछ भी रखा हो उल्टा सीधा ऐसे ही डाल दो, छोड़ दो, बढ़िया सब्जी बन जाती है। हाँ बच्चे जरूर खाने में थोड़ी करते हैं कि ये नहीं है नहीं, लेकिन अभी हम दोनों लोग ही हैं, बच्चे अपने काम से पढ़ाई से बाहर हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ये पड़ी हुई थी सब्जी, तो इन्हीं को फिर मिक्स करके बना ली, क्योंकि ज्यादा बनाओ तो बच जाती है। तो इस वजह से थोड़ी आधी काट के बना ली थी, रखती थी, तो मैंने सब्जी छोंक दी है। और इधर जो है आटा वाटा गूंद के रख दे रही हूँ, खाना जब खाना होगा तभी रोटी बन जाएंगी, तो दूसरे काम जो है करने बैठ जाते हैं तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि दिन भी अब थोड़ा फर्क होने लगे हैं, थोड़े छोटे होने लगे हैं। तो अब जो है सब्जी बन रही है और मैंने आटा गूंद के रख दिया, इधर मैंने जो अपना काम स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि अभी रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी नहीं खा रहे हैं। तो तब तक मैंने कहा जब तक काम नहीं होता, जब तक हम बैठते नहीं है, जब हम किसी काम को करने बैठ जाते हैं तो फिर वो काम पूरा हो ही जाता है। और कभी कभी क्या हम सोचते रहते हैं ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन वो काम सोचते सोचते होता नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती बैठ जाते हैं ना कि लाओ बैठ ही जाते, तो वो काम पक्का हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लाई हूँ मैं, थोड़ा सा एक कपड़ा, वो मुझे मैं पीस जो है कोई 2 मीटर का है, कोई 1.25 मीटर का है, कोई 1 मीटर का, इस तरह से मुझे नेट मिल गई थी और सस्ती रेंज में मिल गई थी, 100-100 रुपए के ये पीस मुझे मिल गए थे। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि ये ड्रेस मुझे कितने की पड़ेगी। तो ये क्या है कि ना जो अस्तर का कपड़ा है ये मैं आधा मीटर से भी कम लाई हूँ, और मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी लाई हूँ, क्योंकि पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं जैसे आधा मीटर की जरूरत है 1 मीटर ले लिया, तो फिर वो टुकड़ा पड़ा रहता है और हमारे किसी काम नहीं आता है, जोड़ तोड़ भले ही कर लो लेकिन फिर वो परफेक्ट किसी काम में नहीं आता है, क्योंकि कलर वाली बात होती है, कभी जरूरत होती है कभी नहीं। तो इस बार जो मैं लहंगा बना रही हूँ, तो वैसे रेडीमेड जैसे लहंगे बनते हैं तो पहले मैं वैसे ही बनाती थी, लेकिन वो यूज नहीं आते, पहनने के बाद वो कपड़ा हमारे किसी काम नहीं आता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार सिंपल सादा बनाऊंगी, तो ये मैंने जो प्लेटें साड़ी में लगती है ना उस तरह से प्लेटें जो है लगा ली है, साइड में उतना कपड़ा वहां से शुरू किया मैंने, और इधर से भी शुरू करके बीच में जो कपड़ा रह गया था उसकी मैंने प्लेटें बना के पिन लगा ली है। पिन लगाने से क्या होता है कपड़ा वहीं सेट हो जाता है। ये चुन्नी के लिए मैंने कपड़ा निकाला है, तो इनकी जो किनारी है, किनारी हर कपड़े की जरूर निकालनी होती है, ये आप ध्यान रखना। तो ये कपड़े में निकालने के बाद में, वो अभी मैंने इसको सिला नहीं है, सिर्फ इसको सेट कर रही हूँ, तो यहाँ भी मैंने पिन से ही जो है तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ही टाइम ज्यादा लगने की बात नहीं होती, अगर चीज हमारे समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से तैयार करनी है तो टाइम बहुत कम लगता है, बस समझने पे ही है थोड़ा सा लगता है। तो ये मैंने प्लेटें डालने के बाद ये इसको रख दिया है, और अब सिलाई जो है स्टार्ट कर रही हूँ, तो
देखने में बिल्कुल सिंपल है। और चुन्नी मैंने अलग से नहीं रखी है, चुन्नी मैंने उसी में सेट कर दी है, जिससे कि क्या होगा साड़ी की तरह मैं इसको पहनाऊंगी। और जब ये पहनना, जैसे काफी थोड़े दिन पहन लेते हैं उसके बाद हम बोर हो जाते हैं कि अब इनको नहीं पहनाना है, तो ये कपड़ा मेरे बहुत काम आएगा। तो इस वजह से मैंने इसको जो है इस तरह से बनाया, बहुत ज्यादा छाट छाट नहीं की, बहुत ज्यादा प्लेटें नहीं की हैं, जिससे कि ये कपड़ा खराब भी ना हो और अच्छा भी लगे। हर वक्त तो बहुत भारी भारी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने जो है इसको इस तरह से सिंपल जो है साड़ी, एक साड़ी वाला लुक आएगा तो वो पहनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। और ये जो मैंने पुरानी लेस थी, पुरानी जो इनकी चुन्नी रखी थी उसी में से निकाल ली थी, और इसको जितनी ये लेस आएगी मैं उतनी इसको कवर कर दूंगी। और ये जो दूसरा कपड़ा है ग्रीन कलर का है, ये भी बहुत प्यारा मुझे मिल गया, इसका कलर बहुत अच्छा मिला। तो ये अम्ब्रेला कट जैसे हम कट करते हैं ना, उस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। स्तर को थोड़ा कम रखूंगी क्योंकि नीचे से कभी हम मोड़ भी देते हैं ना, सिंहासन पे जितना ऊंचा होता है तो फिर हम थोड़ा मोड़ भी देते हैं, तो इस तरह से मैं इसको कट कर ले रही हूँ। और कट करने के बाद जो है, हाँ ऊपर नेफा वगैरह जरूर लगा के डोरी भी डालूंगी दोनों में, जिससे कि इजिली बांधने में आसानी हो जाती है। तो ये इस तरह से इसको कर लिया है, और ऊपर नेफा लगा के और इस तरह से प्लेटें करके सिंपल सादा बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मतलब अभी ये जैसे इसमें भी पहले कपड़ा ये निकालूंगी मैं उसी लहंगे के लिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकालूंगी, ये देखिए, तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो कमेंट में बताइएगा, अगर किसी को स्पेशल बनानी तो मैं एक छोटी ड्रेस भी बना के आप लोगों को बता दूंगी। तो ये दोनों ही है जो बनने के बाद, दो ही बनाऊंगी क्योंकि पहले की भी रखी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं बनानी है मुझे, दो ही बनानी है। तो दोस्तों आज जो मैंने दिन में मतलब कल शाम को आधा काम हो गया था मेरा, बाकी का अभी कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो माता रानी की पोशाक है, क्योंकि मेरी तो जो माता रानी है थोड़ी सी वो बड़े साइज की हैं, और तो उनके लिए मैंने जो पोशाक बनाई है, ये कपड़ा आप लोगों को दिखाया था। तो मैंने ना इसमें अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि अगर इसमें अस्तर जैसे ये हल्का सा ना सीधा से कपड़ा इस तरह से लगाया, जिससे कि ये अगर मैं इसको जब ये पहनने के बाद पुरानी हो जाती है, तो फिर जब इसको यूज़ करूँगी तो इसका कपड़ा जो है पूरा पूरा यूज़ में आ जाएगा। इस वजह से मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसमें बुकरम वगैरह नहीं लगाई है, और हल्की भी रहती है गर्मियों में पहनाने के लिए। तो मैंने इसमें जो है पुरानी जो एक पोशाक थी उसी की लेस निकाल के इसमें जो है लगा दी है, और अभी तो नहीं पहनाऊंगी क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं आप लोगों को पता है, तो नवरात्रों में ही पहनाऊंगी। पर मैंने इस तरह से जो है ये इनकी साड़ी बनाई है सिंपल तरीके से, लहंगा नहीं बनाया है, क्योंकि लहंगे जो है ना वैसे बनाते हैं हम तो फिर काम में नहीं आते, मैंने पहले भी बनाए, वो कपड़ा बिल्कुल काम में नहीं आता। तो इस वजह से मैंने इस बार ये सोचा कि हल्के इस तरह से बनाऊंगी, जिससे कि वो उनके यूज में भी आएंगे, और इसको जब पहनाऊंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनी है। तो ये जो चुन्नी है ना, इसी में मैंने इस तरह से जैसे साड़ी का पल्ला होता है ना, इस तरह से इसको तैयार किया है। तो आप छोटे साइज में या बड़े साइज में कैसे भी आप बना सकते हो। और इसका जो सेकेंड है, देखो आपको दिखाती हूँ, मैंने दो बनाए हैं, तो ये जो बनाया है ये देखिए, तो इसमें मैंने क्या किया है, ये अम्ब्रेला दोनों अलग अलग थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या है, अम्ब्रेला कट जो है ना नीचे से अस्तर जो है इतना ये छोटे साइज का ही इस तरह से इसको किया है, जैसे स्कर्ट वगैरह हम बनाते हैं ना अम्ब्रेला इस तरह से। और इसमें सिंपल सी जो है जैसे साड़ी की प्लेट्स होती हैं, वो इकट्ठी प्लेट्स करके मैंने ये जो है ना यहाँ पे लगा दी है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं ये सिलाई खोलूंगी ये पूरा कपड़ा मुझे यूज में आ जाएगा, और फिर इस कपड़े को मैं कहीं भी क्या मतलब ये होता है मंदिर में जैसे हमने बिछाने के काम में ले लिया या किसी तरह से, तो उस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में बिछाने के लिए भी जो सेट के कपड़े होते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं और उनमें भी हमें पैसा खर्चते ही हैं। तो इसको जो है मैंने अभी इसमें लैस नहीं लगाई है, क्योंकि कुछ प्लेन भी जरूरी होती है इसके ऊपर जो है, रेड चुन्नी नवरात्रों में जरूरी होती है, तो ये पहनाने के बाद रेड चुन्नी भी उनको ओढ़ाऊंगी, और अगर मुझे लगेगा तो इसमें एक लैस हल्की सी लगा दूंगी। पर मुझे अभी लग रहा था कि मैं इसमें जो है सिंपल बिल्कुल बनाऊं, तो ये जो है कैसी लगेंगी, अभी तो आपको वैसे ही दिख रही होंगी, आई होप मतलब इस तरह से ये देखिए। तो इसको क्या जब हम पहनाते हैं ना, तो थोड़ा सा यूं करके इस तरह से ये वहां पे सिंहासन पे इस तरह से कर देते हैं, तो थोड़ी सही रहती है। और जब इसको पहनाऊंगी मैं दोनों को, वो आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगी, तो आप लोग बताइएगा कि कैसे बनी है। और इसी तरह से आप जो छोटी माता रानी होती हैं उनकी भी बना सकते हैं, ये देखिए,
ये मैंने जो चुन्नी है ना अलग से नहीं रखी है, इसी में सिल दी है साइड से, और जिस तरफ दूसरे तरफ पल्ला होता है ना उस तरफ ऐसे करके ये उठा के और ये पल्ला आ जाएगा। तो हो सकता है मैं पल्ले पे यहाँ पे कुछ लगा दूँ लेस वगैरह, मुझे नहीं, जो थी वो कम पड़ गई थी, लेके मैं आई नहीं थी, क्योंकि अब मेरा यही एक रहता है कि पहले मेरे पास जो घर में चीज़ें रखी हैं पहले उनको यूज़ कर लूँ, और अगर कम पड़ेगी तो फिर उतना ही पीस ले आऊँगी जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मेरे पास ना जो कपड़ा है काफ़ी बच गया है। अब जैसे इस तरह के हम लाते हैं ना, ये देखिए, इनका फिर यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी जो रिटायर होंगी ना, इनकी जो निकलेंगी पुरानी होंगी, उनको भी मैं कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको कहाँ पे यूज करें। तो अगर उनको जब भी यूज करूंगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि मंदिर में जब ना थोड़ा सा अच्छा सजा सजा सा रहता ना तो अच्छा लगता है। और ये देखिए बहुत कम कपड़े में बन जाती है, और ये कपड़ा तो मेरे पास बच गया है, तो अब देखती हूँ कि इसका क्या, लहंगा तो उनका बन गया है, और हो सकता है इसी में से, अभी तो मुझे टाइम थोड़ा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने दोनों पोशाकें एक दिन में ही तैयार ये कर ली हैं। देखने में लगता है कि हमें मतलब ना बहुत सीधी सी हैं और हाल बन गई हैं, लेकिन कोई भी काम करने बैठो थोड़ा टाइम तो लग जाता है। तो दोस्तों बस यही, और ये भी कपड़ा मेरा काफ़ी बच गया, ये देखिए, तो इसको भी कहीं ना कहीं यूज करूँ क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा मुझे लगा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो जब भी मंदिर के जो डेकोरेशन होगी ना नवरात्रों में, वो वीडियो जरूर देखिएगा, और कोशिश करूंगी आपको इनका यूज कहाँ पे किया है मैंने, किस तरह से किया, कैसा मेरा मंदिर लग रहा है, तो आप लोग जरूर देखिए। और अगर आप लोगों की तैयारी भी शुरू हो गई है, नहीं हो गई है तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जब हम हाथ से बनाते हैं ना तो एक खुशी अलग होती है। बाजार में बहुत महंगी महंगी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारी भले ही थोड़ी हल्की हो चीज़, लेकिन हाथ से बनी होती है तो हमें जब वो पहनती है ना तो एक अंदर से लगता है कि ये हमने उनके लिए बनाई है, तो वो एक अलग ही एक खुशी होती है। तो दोस्तों बस यही इतना ही, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को पूरा देखिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ, थैंक यू, बाय।